रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर लगे शिलालेख पर बवाल मच गया है। लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस के मौके पर हिंदू सेना ने इस शिलालेख के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही गलत जानकारी वाले शिलालेख पर कालिक पोती। दरअसल शिलालेख पर लिखे इतिहास पर हिंदू सेना ने जताई आपत्ति थी। शिलालेख में रानी लक्ष्मीबाई का जीवन परिचय लिखा है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों का मित्र बताया गया है, साथ ही कई तथ्य भी गलत हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस की मौजूदगी में हिंदू सेना ने शिलालेख पर लिखी गलत जानकारी पर कालिक पोत दी। वहीं पुलिस ने कहा कि इस घटना की वीडियोग्राफी कराई गई है और मामले पर जांच की बात भी कही। ये कल कुछ लोगों के द्वारा जो है उस पे लक्ष्मीबाई समाधि पे जो शिलालेख लगा हुआ था उस पे कालिक वगैरह पोती गई है, तो जो वहाँ का जो चौकीदार है पुरातत्व विभाग का, उसके द्वारा आवेदन दिया गया है। इस पर से पुरातत्व अधिनियम के तहत में कायम प्रकरण कायम करके धारा 32 है पुरातत्व, अज्ञात लोग हैं। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर चुकी है। लेकिन सवाल उठता है कि जब कालिक वाला कांड चल रहा था, पुलिस वहां मूक दर्शक बनकर बस सब देख रही थी। ग्वालियर से न्यूज के लिए संजय जैन की रिपोर्ट।